सीएम फ्लाइंग की टीम का एक्शन लगातार जारी है। शिक्षा विभाग और फ्लाइंग टीम को एक जानकारी मिली थी कि नरवाना के कैनाल रोड पर बिना मान्यता के डीबी के इंटरनेशनल नाम से स्कूल चलाया जा रहा था, वो भी मैरिज पैलेस में। जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जब स्कूल में दस्तक दी, जहां नर्सरी से चौथी कक्षा तक स्कूल चलाया जा रहा था और रिकॉर्ड में भी 208 बच्चों का दाखिला पाया गया, इसमें 172 छात्र हाजिर भी पाए गए। जब स्कूल की मान्यता के दस्तावेज मांगे गए तो स्कूल संचालक उन्हें दिखाने में नाकाम रहा। ऐसा नहीं कह सकते कि हम ये बिना मान्यता के हैं। हमारा फर्स्ट ब्रांच जो है डीबी के पब्लिक स्कूल पहले से ही चल रहा था, उसी के साथ हमारा ये स्कूल कनेक्टेड है। जिस तरह से हम डीएवी को देखते हैं, डीबी स्कूल की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, उनके अलग अलग एफिलिएशन नहीं होते हैं, बट इस स्कूल के लिए भी हम लोगों ने अलग से एफिलिएशन के लिए सारे प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है डॉक्यूमेंटेशन का, तो वो अंडर प्रोसेस है जो लास्ट ईयर ही स्टार्ट हो चुका है। वही स्कूल के अंदर ना तो फायर सेफ्टी, पीने का पानी, साफ सफाई, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट से संबंधित कोई भी दस्तावेज मिला, जिस पर सीएम फ्लाइंग ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय भेज दी है। वही शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालक को भी नोटिस जारी किया है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि नरवाना में कैनाल रेस्ट हाउस के पास डीबी के इंटरनेशनल स्कूल चला रहे और ये प्रिंसिपल मैडम कुकरेजा है, और इनके पास किसी भी किस्म कोई कागजात नहीं है। आप देखोगे तो ना तो कोई इनके पास कोई मान्यता है, ना कोई पट्टानामा है, कोई फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है, बिल्डिंग की सेफ्टी सर्टिफिकेट भी नहीं है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है। खंड शिक्षा अधिकारी साथ लेकर के हमने जब निरीक्षण किया, साथ में स्कूल के डायरेक्टर भी थे, तो ये कोई चीज़ें नहीं मिली जो मैंने आपको बताई है, ये स्कूल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आगे शिक्षा अधिकारी को साथ लेकर शिक्षा अधिकारी ने इनको 15 दिन का टाइम दिया नोटिस का, और हमने अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी है। बहरहाल बच्चों के भविष्य के साथ लापरवाही ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग के साथ ही सीएम फ्लाइंग की टीम भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जींद से परमजीत पवार की रिपोर्ट।